स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कुछ समझते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम ट्रेवलिंग करते हैं तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसके साथ साथ हमें ऐसे लगता है कि एयर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी हमें लगता है कि हवा कुछ तेज चल रही है। तो ये हम जो महसूस करते हैं ये एयर रेजिस्टेंस, ये वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज करता है, यानी एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वो वेलोसिटी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या मीडियम पर डिपेंड करता है कि वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है या वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या कोई और रूल है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये क्या, कौन सी वेलोसिटी है, किसे नाम दिया गया है? जब हम कोई पार्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकली छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज करने लगती है, और ये स्पीड जब इंक्रीज करती है तो जो एयर प्रेशर है, या ये कहेंगे कि जो एयर रेजिस्टेंस है, वो एयर रेजिस्टेंस उस पर बढ़ने लगता है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर जल्दी ही वो इतना हो जाता है कि जितना उसका वेट डाउनवर्ड एमजी है वो उसे नेगलेक्ट कर देता है। यानी एयर रेजिस्टेंस मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड और पार्टिकल का वेट एमजी डाउनवर्ड, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों इक्वल होते हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। उस केस में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज सब्जेक्टेड टू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एटमॉस्फेयर में गिरता हुआ देखें तो उस पर आप ऑब्जर्व करेंगे दो तरह के फोर्सेस हैं। फर्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्रेस्ड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो उसका वेट है, जो भी ऑब्जेक्ट का वेट है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, हमेशा उसकी सेम वही डायरेक्शन रहती है। और सेकंड, एयर रेजिस्टेंस। जो एयर रेजिस्टेंस है ये मोशन को अपोज करता है। तो जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। व्हेन ए पार्टिकल फॉल्स इट्स एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड क्विकली रीच द कंडीशन वेयर द एयर रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द वेट। और जैसे पार्टिकल नीचे को आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ ही उसमें एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जल्दी ही एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू वेट ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा, और उस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। जो पैराग्लाइडिंग का केस है वो इसका एक एग्जांपल है, जिसमें एयर रेजिस्टेंस और उसका वेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। किसी भी सरफेस पर भी हम रेजिस्टेंस फोर्स देखते हैं
लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में एटमॉस्फेयर में तभी डिफाइन की गई है जब उसका वेट डाउनवर्ड और एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड इक्वल होते हैं, या कहें कि उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। इफ ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल गिर रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, तो वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से होगी, m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द पार्टिकल एंड माइनस रेजिस्टेंस। अब यहां पर जब पार्टिकल डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो वेट mg डाउनवर्ड है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड है और जो अपवर्ड है उसकी डायरेक्शन इस डिस्टेंस की डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, इसलिए वो माइनस है, और mg जो है वो इस डिस्टेंस की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। इसे हम सिंप्लीफाई करें, x कैंसिल करें, तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस के वी स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा जब हम इसकी वेलोसिटी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो होगी जब हम इसमें एक्सेलरेशन को जीरो पुट करें, और v को अब हम v लिख रहे हैं, कैपिटल v जो टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। v स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा g अपॉन k, और v इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन k। तो इस तरह से ये टर्मिनल वेलोसिटी आती है जब पार्टिकल किसी एटमॉस्फेयर में डाउनवर्ड मोशन में है, और ये हमेशा केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन में है, क्योंकि अपवर्ड में कभी भी एक्सेलरेशन जीरो पॉसिबल ही नहीं है।